हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आईटी एजुकेशन। जैसा कि गाइस आप सभी को पता होगा, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड यानी कि UPRVUNL की तरफ से आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए TG2 की वैकेंसी आउट कर दी गई है 190 पदों के लिए। तो गाइस आप सभी का बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि इसके क्वालिफिकेशन में जो CCC सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, क्या मेरे पास CCC सर्टिफिकेट नहीं है तो क्या मैं फॉर्म भर सकता हूँ? अगर मेरे पास मतलब कि ये सर्टिफिकेट कहाँ से बनवाना पड़ेगा, कहाँ से बन सकता है, इसमें क्या एग्ज़ाम सिटी रहने वाला है, जॉब प्रोफाइल क्या रहेगा, प्रीवियस पेपर कहाँ से मिलेगा, प्रीवियस कटअप कितना गया था, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो गाइज़ ये सभी जो सवाल आपके मन में आ रहा है, इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग को सारा जो सवाल है इसका जवाब मिल जाएगा। बस आप लोग वीडियो को धैर्यपूर्वक बना के देख लीजिए, कुछ समय आप लोग के लूँगा, बाद बाकी आप लोग का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। सबसे मेन जो है ना, यहाँ पे आप लोगों का क्वालिफिकेशन है। क्वालिफिकेशन में बहुत सारा स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो रही है कि सर जो ये CCC के बारे में बताइए, ये क्या, ये कौन सा चीज़ है, ठीक है। तो सबसे पहले गाइस सभी से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूँगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मैं आप लोग को बोलूँगा टेलीग्राम से जुड़ना, ठीक है। टेलीग्राम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, जहाँ पर जुड़ने के बाद आप लोग को कोई भी नोटिफिकेशन मिस नहीं होगा। और देखिए सबसे और एक बेहतरीन चीज़ है कि हम लोगों का जो वेबसाइट है www.itieducation.com, तो गाइज़ ये वेबसाइट हम लोग का रन करता है, तो इसमें आप लोग को सारा अपडेट मिलता है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग अपना फॉर्म अप्लाई भी कर सकते हैं, यहाँ से PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पे IT सरकारी नौकरी के नीचे। अब चलिए मैं आप लोग को सारा सवाल का जवाब देता हूँ। सबसे पहले मैं एडवर्टीजमेंट नोटिस कर लेता हूँ, और ये CCC वाला जो है ना ये कोर्स, मैं इस पर आप लोग को सबसे पहले डाउट क्लियर करता हूँ। तो गाइज़ देखिए मैं फुल नोटिफिकेशन पे आ चुका हूँ। यहाँ पे देखिए पहला चीज़ है कि यहाँ पे आप लोग ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेल एंड फीमेल आप लोग जो आप लोग हैं फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म भरना है, भर सकते हैं। अब देखिए मैं जो CCC की बात कर रहा था, यहाँ पर क्वालिफिकेशन देखिए, यहाँ पर जो ट्रेड का वैकेंसी निकला है, एक तो फिटर है, एक इलेक्ट्रीशियन है, और आप लोग का एक इंस्ट्रूमेंट है। इंस्ट्रूमेंट वाले में आप लोग का एक इंस्ट्रूमेंट या इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड में आप लोग का IT पास रहना चाहिए, बाद बाकी इलेक्ट्रीशियन और फिटर। यहाँ पे सबसे पहली चीज़ तो आप लोग को तो मैट्रिक पास ही रहना चाहिए, यानी 10th आप लोग का पास रहना चाहिए, जिसमें आप लोग का मैथ और साइंस सब्जेक्ट रहना चाहिए, ठीक है। मैं वह क्वालिफिकेशन क्लियर कर रहा हूँ। और ITI जो पास रहना चाहिए, NCVT या SCVT, दोनों में से कोई भी बोर्ड से आप लोग एफिलिएटेड है, कोई भी राज्य से बिलोंग करते हैं, आप लोग यहाँ पे ये ITI पास रहना चाहिए। और ये जो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि भाई साहब ये कौन सा चीज़ लगा दिया इन्होंने, CCC यानी कि कोर्स ऑन कंप्यूटर कंसेप्ट, जो 80 घंटे का यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि 80 घंटे का जो होता है, जो NIELIT के द्वारा जो करवाया जाता है, ये प्रमाण पत्र आप लोग को रहना जरूरी है। जब आप फॉर्म भरिएगा ना, तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑनलाइन आवेदन के समय अभ्यर्थियों के पास ये जो है 80 घंटे का कोर्स ऑन कंप्यूटर का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है, ये सर्टिफिकेट पास होना अनिवार्य है। अब भाई साहब सभी कंफ्यूज हो रहे हैं कि यार इस तरह का, तो बहुत सारे तो कमेंट भी कर रहे हैं कि ऐसा तो कब से लागू हो गया। जब भी UPRVUNL का वैकेंसी निकला है तो गाइस CCC मांगता ही है, और आने वाले समय में हो सके कहीं और भी विभाग मांगे। तो देखिए मैं भी बता दूंगा CCC के बारे में आप लोग को, बस थोड़ा आप लोग वीडियो घर पर बना के देखिए, आप लोग को सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मैं भी आप लोग को NIELIT का ऑफिशियल वेबसाइट पर ले चलता हूँ, और वहीं पर CCC के बारे में बताता हूँ। तो गाइज देखिए मैं अभी NIELIT का ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ, और गाइज मैं जितना भी ये सभी जो शेयर कर रहा हूँ, मैं इसका लिंक टेलीग्राम में भी दे दूँगा, और आप लोग को मैं वेबसाइट मतलब कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा। अब देखिए ये जो NIELIT है, इसका जो फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, ये द्वारा कोर्स रन कराया जाता है, और ये डिपार्टमेंट आप लोग का मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। अब देखिए ये जो कोर्स है CCC, इसको पूरा फुल फॉर्म होता है कोर्स ऑन कंप्यूटर कंसेप्ट, ठीक है। CCC का जो पूरा फुल फॉर्म होता है कोर्स ऑन कंप्यूटर कंसेप्ट, और ये जो आप लोग का कोर्स रहता है, ये आप लोग का 80 घंटा का रहता है ड्यूरेशन, ठीक है, जिसमें थ्योरी आप लोग का 25 घंटा, ट्यूटोरियल 5 घंटा, और प्रैक्टिकल 50 घंटा। अब देखिए सबसे बड़ी बात है कि भाई साहब ये मतलब कि ये कैसे किया जाता है। अब देखिए जो ये
NCCC जो कोर्स है ये आप लोग दो माध्यम से कर सकते हैं। पहला है कि आप लोग डायरेक्ट ऑनलाइन फॉर्म भरिए, आप लोग को जब जैसे कि फॉर्म भरिएगा, मान लेते हैं अभी आप लोग का जुलाई चल रहा है, आप लोग अगर मान लेते ये फॉर्म ओपन हो जाता है हर महीने के शुरू से और ये आप लोग का अंतिम महीने अंतिम दिन तक चलता है। जैसे मान लेते हैं अभी जुलाई में फॉर्म भरिएगा तो आप लोग का एक महीना छोड़ करके अगले महीने आप लोग का एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए कोर्स करने का दो तरीका है, या आप डायरेक्ट आप लोग ऑनलाइन आवेदन करके, यहाँ मैं अभी बताऊँगा कहाँ से आवेदन करना रहता है, डायरेक्ट ऑनलाइन आवेदन करके एक महीने के बाद अपना इसका सिलेबस भर के डायरेक्ट एग्जाम दे सकते हैं। या दूसरी चीज़ कि आप लोग जो इनका इंस्टीट्यूट है, जो NIELIT के द्वारा जो मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट है, वहां से आप लोग भी जाके कोर्स कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है और वहां पे जाइएगा तो अभी देखिए इसका फीस जो लग रहा है, अभी देखिए इसका फीस जो है, अभी अगर आप लोग ऑनलाइन कीजिएगा, आप लोग को इंस्टीट्यूट के माध्यम से नहीं कीजिएगा तो आप लोग को 500 रुपया लगेगा। ऐसे अगर इंस्टीट्यूट के माध्यम से कीजिएगा तो वहाँ पे जो पढ़ाया जाएगा उसका भी फीस लेंगे वो लोग, और भी जो भी है उनका वहाँ पे आप लोग कॉन्टैक्ट कीजिएगा तो पता चल जाएगा। लेकिन जब आप ऑनलाइन अपने से खुद से कीजिएगा, डायरेक्ट मोड में कीजिएगा, तो आप लोग को मात्र 500 रुपया लगेगा और आप लोग अपना सिलेबस जो रीड है इनका एग्ज़ाम जाके दे सकते हैं। अब देखिए सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारे कैंडिडेट बोल रहे हैं कि सर मैं मेरे पास नहीं है, क्या मैं NCCC सर्टिफिकेट जाके बनवा लूँगा, बनवा सकता हूँ? तो ऐसा कोई भी गाइस यहाँ पे ये नहीं है कि आप जाके मतलब कि ये आप बनवा लीजिएगा सर्टिफिकेट, ऐसा कोई नियम नहीं है। अगर मान लेते हैं कि अभी किन्हीं के पास सर्टिफिकेट नहीं भी है ना, तो मान लेते कि अभी वो फॉर्म भरेंगे, मैं अभी बताऊँगा फॉर्म कैसे भरा जा रहा है। तो अभी एक जुलाई से ये फॉर्म स्टार्ट हो गया है और 31 जुलाई लास्ट डेट है, और उनको एग्ज़ाम होगा 1 सितंबर को। मैंने कि बोला कि एक मंथ छोड़ के होता है और ये हर महीने फॉर्म भराता है, जैसे कि अभी जुलाई एंड होगा तो 1 अगस्त से शुरू हो जाएगा 31 अगस्त तक, फिर अगस्त खत्म होगा तो सितंबर में शुरू होगा, फिर सितंबर खत्म होगा तो अक्टूबर में होगा। और जब भी फॉर्म भराता है ना, अंतिम जो इनका दिनांक रहता है एक महीने छोड़ करके अगले महीने के 1 तारीख को ये एग्ज़ाम कंडक्ट करा लेती है, ठीक है। माने कि मान के चलिए आप लोग का यहाँ पे अभी कोई भी ऐसा नहीं है कि आप जाके इंस्टीट्यूट से कांटेक्ट कर लीजिएगा, या ऐसा है कि आप लोग सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा, ऐसा कोई आप लोग के साथ में ये ऐसा प्रावधान नहीं है। आप लोग अगर सर्टिफिकेट चाहिए तो फॉर्म अभी भर सकते हैं, मैं अभी आप लोग को ले चलता हूँ वेबसाइट पर। तो गाइस देखिए मैं अभी NIELIT के ऑफिशियल वेबसाइट पर हूँ। अब देखिए यहाँ से आप लोग आपके ज़िला में कौन सा इंस्टीट्यूट है यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे सर्च इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे आप लोग यहाँ पे ऐसे क्लिक करके आप लोग अपना कोर्स यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। ये प्रोग्राम जो आता है IT लिटरेसी प्रोग्राम के अंतर्गत आता है, और यहाँ पे कोर्स ऑन कंप्यूटर कंसेप्ट पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे जैसे कि मान लेते हैं कि मुझे बिहार में इंस्टीट्यूट फाइंड करना है, और बिहार में कोई भी डिस्ट्रिक्ट आप लोग चेक कर लीजिए। जान मान लेते हैं कि मुझे पटना में देखना है, तो यहाँ से मैं पटना चूज करूँगा P से यहाँ पे, ठीक है। देखिए मैं अभी पटना चूज कर लेता हूँ, ये पटना आ गया, और यहाँ पे जैसे ही व्यू करूँगा तो सारा मतलब इंस्टीट्यूट का नाम मिल जाएगा। इंस्टीट्यूट से आप लोग का मोबाइल नंबर भी दिया गया, कांटेक्ट भी कर सकते हैं अगर इंस्टीट्यूट के माध्यम से लेना है एडमिशन। तो अगर ऐसे लेना है एडमिशन तो उसके बाद आप लोग को डायरेक्ट यहाँ से ये करना है, यहाँ पे देख रहे हैं ना। अब देखिए ये प्रोसेस जो होता है ना, ये सारा चीज़ ऑनलाइन होता है, कहीं जाना नहीं पड़ता, आप लोग को डायरेक्ट सारा चीज़ मिल जाता है, चाहे वो एडमिट कार्ड हो या आप लोग का एग्जाम सेंटर हो, सारा चीज़ आप लोग का ऑनलाइन होता है, यहाँ पर डाउनलोड भी सर्टिफिकेट। अब देखिए यहाँ पर आप लोग अप्लाई ऑनलाइन है, इस पर क्लिक करना है, उसके बाद ये न्यू पेज ओपन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे न्यू पेज ओपन हो चुका है, यहाँ से आप लोग यहाँ पे इसका सिलेबस भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है ना कोर्स ऑन कंप्यूटर कंसेप्ट, इस पर क्लिक करना है, जैसे ही क्लिक कीजिएगा आप लोग के न्यू पेज ओपन हो जाएगा, यहाँ से आप लोग इनका ब्राउचर सिलेबस भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग को ब्लू टिक पे क्लिक करना है और आई एग्री, यहाँ से ये फॉर्म भरा रहा है। देखिए ये हर महीने फॉर्म भराता है, यहाँ से आप लोग फॉर्म भर सकते हैं अगर आप लोग अभी भी चाहिए सर्टिफिकेट। अब देखिए यहाँ पर जो मैंने बताया कि देखिए दो तरीके से है, या तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं या इंस्टीट्यूट के माध्यम से कर सकते हैं। अब जैसे कि डायरेक्ट करना है तो आप लोग यहाँ पर एवरी मंथ एग्जाम पे साइकिल पे कीजिएगा, अगर इंस्टीट्यूट से पे क्लिक किया तो फिर इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करना होगा, और एग्जाम साइकिल देख सकते हैं ये ऑलरेडी सितंबर में आप लोग का एग्जाम होगा। फीस 590 रुपया है यहाँ, मतलब कि 590 GST चार्ज होगा, तो यहाँ पे 590 रुपया हो गया। उसके बाद आप लोग अपना एग्जामिनेशन सेंटर भी चूज कर सकते हैं, जैसे मैंने बिहार में दो जगह दिएगा, या आप दो जगह चूज कर, जैसे मैंने पूर्णिया चूज कर लिया, फिर बिहार में आप लोग का दूसरे चूज कर लीजिए बक्सर। तो ये आप लोग का ऑनलाइन एग्जाम होगा। अब बात रही कि कितने मिनट का होता है पेपर, तो गाइस देखिए
ये जो आप लोग का रहेगा 90 मिनट का पेपर होगा, ऑनलाइन होगा और सब क्वेश्चन रहता है, यहाँ पे कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं रहता है। और मैं अभी सिलेबस दिखा देता हूँ, तो देखिए जो फीस बता रहा था ये 590 रुपया GST चार्ज लगा के। अब देखिए मैंने पहले ही बता दिया कि अगर फॉर्म भरिएगा तो अगले एक महीना छोड़ करके अगले महीने के पहले तारीख को एग्ज़ाम हो जाता है। तो आप लोग के पास कोई उपाय नहीं है कि मान लेते हैं कोई भी इंस्टीट्यूट से जाकर सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, ऐसा कोई जुगाड़ नहीं है, ऐसा कोई टेक्निक नहीं है। आप लोग अगर सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं तो बाई प्रोसेस अभी अप्लाई कर दीजिए फॉर्म, अगले महीना मतलब अभी अप्लाई कीजिएगा तो जुलाई में अप्लाई कीजिएगा तो जुलाई अगस्त छोड़ के आप लोग का यहाँ पे सितंबर में एग्जाम होगा। जैसे देख ही सकते हैं 1 से 31 जुलाई में कीजिएगा तो 1 सितंबर को होगा, अगर 1 अगस्त से 31 अगस्त के फॉर्म कीजिएगा तो आप लोग अक्टूबर में एग्जाम होगा। यहाँ पे दिया गया है, सभी दिया गया है, एग्जामिनेशन टाइम पीरियड फॉर अप्लाई ऑनलाइन और डेट ऑफ कमेंसमेंट और एग्जामिनेशन, ठीक है। तो ये आप लोग का कोर्स होता है इस तरीके से। अभी मैं आप लोग को सिलेबस दिखा देता हूँ इसका, तो देखिए ये इसका सिलेबस आप लोग इसके वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, ये सभी आप लोग पढ़ के ऑनलाइन दे के एग्जाम अपना सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हो गया आप लोग के CCC के बारे कोर्स के बारे में। और देखिए अगर जिनके पास CCC सर्टिफिकेट नहीं है, सिर्फ उनके पास 10th है ITI है और CCC नहीं है, तो वो फॉर्म यहाँ पे नहीं भर पाएंगे, ठीक है। कोई जुगाड़ नहीं है, कोई उपाय नहीं है, बगैर CCC के आप लोग फॉर्म नहीं भर पाएंगे। और मेरा तो यही रिक्वेस्ट रहेगा आप सभी से, जितने भी ITI बंधु है, CCC कर ही लीजिए, आने वाले समय में कब कौन वैकेंसी में मांग दे इसका कोई गारंटी नहीं रहता है, तो आप लोग कर लीजिए, फॉर्म अभी निकला हुआ है भर दीजिए। तो गाइज CCC के बारे में आप लोग को यहाँ पे सारा डाउट क्लियर हो गया कि बिना CCC के आप लोग फॉर्म नहीं भर सकते हैं। CCC सर्टिफिकेट कहाँ से बनेगा मैं आप लोग को सारा डिटेल बता दिया हूँ। अब मैं चलिए बता देता हूँ किसका सैलरी कितना मिलेगा, एग्जाम सीटी क्या है, जॉब प्रोफाइल क्या है और कटअप कितना है। देखिए कटअप वाला तो वीडियो मैं अभी बना दिया हूँ, वो आप लोग कटअप देख सकते हैं और मेरे वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। देखिए कटअप वाला तो यहाँ से आप लोग चेक कर सकते हैं कितना कटअप गया था 2020 में। और बात रही प्रीवियस पेपर का, तो मैं अभी इसके अपने वेबसाइट पे अपलोड कर दूंगा, यहाँ पे जो प्रीवियस पेपर का जो सेक्शन बना हुआ है यहाँ पे देख सकते हैं, मैं यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। जब अपलोड करूंगा तो मैं वीडियो बना के आप लोग को सूचना दे दूंगा, बाद बाकी अपना चेक करते रहिएगा। तो कटअप और प्रीवियस पेपर का समस्या दूर हो गया। अब चलिए जो और डाउट था वो मैं क्लियर करता हूँ। तो गाइज इसमें से आप लोग का ये डाउट क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया, क्वालिफिकेशन भी क्लियर हो गया। अब चलिए मैं ये है एग्जाम सीटी सैलरी सिलेक्शन प्रोसेस और जॉब प्रोफाइल के बारे में बताता हूँ। तो गाइज देखिए सैलरी आप लोग का बेहतरीन सैलरी है, बेसिक सैलरी आप लोग का यहाँ पे लेवल 4 का बनेगा, बेसिक सैलरी आप लोग का 2800 बनेगा और लेवल 4 का सैलरी मिलेगा। बाद बाकी जितने भी अदर अलाउंसेस होते हैं DEA HRA, तो अप्रोक्सीमेटली मैं मान के चल रहा हूँ यहाँ पे सैलरी आप लोग का 40+ ही बनेगा। अब उसमें कितना कुछ कटता भी है, जैसे कि जो आप लोग का रिटायरमेंट के वक्त मिलता है NPS में, तो बेसिक सैलरी अच्छा है गाइस, यहाँ पे अगर 28,000 मान के चल रहे हैं तो 35-40,000 रुपये तो आप लोग का सैलरी बन ही जाएगा, ठीक है। बेहतरीन सैलरी है, इतना सैलरी बेसिक जो है बहुत कम ही विभाग में बनता है। ये आप लोग को हो गया सैलरी के बारे में। उसके बाद मैं यहाँ पे फीस आप सभी को पता होगा, फीस प्रीवियस वीडियो मैंने बता दिया था, मैं यहाँ पे नहीं बताऊँगा। सिलेक्शन प्रोसेस देखिए आप लोग का, पहले देख लीजिए 3 घंटे का पेपर होगा और यहाँ पे 200 मार्क्स पूछता है और यहाँ पे निगेटिव मार्किंग 1/4 यानी 0.25, 150 क्वेश्चन ट्रेड का रहेगा, आप जिस ट्रेड से फॉर्म भरिएगा, और 50 क्वेश्चन आप लोग का हिंदी GK और रीजनिंग से पूछेगा, ठीक है। ये हो गया आप लोग का यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस। और मैं यहाँ पे बताऊँ आप लोग को एग्ज़ाम सिटी कहाँ पे रहेगा, तो यहाँ पे देखिए आगरा, अलीगढ़, कानपुर, झांसी, ग्रेटर नोएडा, प्रयागराज, मेरठ, लखनऊ, वाराणसी, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, बरेली इत्यादि में होगा। बाद बाकी गाइज जॉब प्रोफाइल की बात करूँ तो आप लोग का पोस्ट का नेम है टेक्नीशियन Grade 2। अब देखिए जो उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का जो है, इनका अलग अलग जगहों पे प्लांट है। अब आप लोग इलेक्ट्रिसिटी में पढ़े होंगे, पहले तो आप लोग का जनरेशन होता है, फिर ट्रांसमिशन होता है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, फिर यूटिलाइजेशन होता है, तो ये प्रोसेस रहता है। तो इनका अलग अलग जगहों पर थर्मल प्लांट है। अब देखिए यहाँ पर इनका जो थर्मल प्लांट यहाँ पर देख सकते हैं, इनके वेबसाइट पे डाटा दिया गया है, 4 थर्मल पावर प्लांट लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ UP विथ ए टोटल जनरेटिंग कैपेसिटी ऑफ 6,134 मेगावाट। अब देखिए यहाँ पे जैसे कि इनका प्लांट एक है आप लोग का यहाँ पे
अनपारा सोनभद्रा में, यहाँ पे टोटल कैपेसिटी 2630 मेगावाट है। उसके बाद एक सोनभद्रा में भी है ओबड़ा, ये है कैपेसिटी 1094। उसके बाद एक झांसी में है, अलीगढ़ में है, तो टोटल इनका कैपेसिटी 6134 है। तो गाइज यही आप लोग का जो सब पावर सब स्टेशन मतलब पावर स्टेशन है, यहीं पे आप लोग का ड्यूटी लगेगा टेक्नीशियन का। यहाँ पे एक कंट्रोल रूम बना हुआ रहता है, उसमें हो सके ड्यूटी दे, या मान लेते हैं टेक्नीशियन का वर्क है तो कोई इस तरीके से टेक्नीशियन फील्ड में भी दे सकती है। तो मतलब यही है कि इनका जो जनरेटिंग यूनिट जो है ना, यहाँ पे यूपी राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, तो इनका जो जनरेटिंग स्टेशन है वहीं पे आप लोग को ड्यूटी लगेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी गाइस। आप लोग का बेहतरीन जॉब है, जनरेटिंग स्टेशन का ड्यूटी बहुत ही शानदार रहती है। तो बस टेक्नीशियन का वर्क रहता है, अगर कंट्रोल में ड्यूटी लगती है तो कहीं रीडिंग वगैरह का काम हो गया या कुछ बहुत सारा मतलब थर्मल में बहुत ज़्यादा वर्क रहती है। मतलब कि अलग देखिए सभी कर्मचारी का अलग अलग काम रहता है, अब ये नहीं कि पर्टिकुलर आप टेक्नीशियन है तो टोटल काम आप ही को करना होगा, सभी का अलग अलग पोस्ट के जरिए काम डिफाइंड रहता है, जॉब प्रोफाइल रहता है। तो आप लोग का बेसिकली कहीं पे भी फील्ड में भी हो सके, मतलब टेक्नीशियन है तो कहीं बाहर में भी मतलब कि कुछ वगैरह करना पड़ सकता है, लेकिन मेरे अनुसार ज़्यादा पॉसिबिलिटी है आप लोग का सब स्टेशन में ही ड्यूटी लगे, यानी कि जो इनका जनरेटिंग स्टेशन है वहाँ पर जो इनका कंट्रोल मतलब रूम होगा, जो कंट्रोल सिस्टम होगा, कैसे मतलब कि यहाँ पे रीडिंग वगैरह का काम हो वो भी मिल सकता है। तो बस यही है कि आप लोग का ये सभी जो यूनिट है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, डिटेल ज़्यादा अपने वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। तो ये तक ऐसे आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन कॉल कर दीजिएगा, टेलीग्राम से जुड़िएगा, वेबसाइट विजिट कर लीजिएगा। धन्यवाद।